बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 9 है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था माइक्रो कंप्यूटर एंड उसकी टाइप्स, जो कि हमारे पास फर्स्ट टाइप है। अब हम देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम। तो स्टार्ट करते हैं मिनी कंप्यूटर से। मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं? लार्ज, एक्सपेंसिव एंड मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर। अगर माइक्रो से कंपेयर करें तो ये ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं, यानी बड़े होते हैं साइज में, और ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं मल्टी यूजर इन्वायरमेंट। मल्टी यूजर इन्वायरमेंट कौन सा होता है? मल्टी कहते हैं एक से ज्यादा को यूजर जो यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर, यानी ऐसे कंप्यूटर जिनमें मल्टीपल यूजर जो है यूज कर सके जिसको। उसके बाद यूज इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस में हम यूज कर सकते हैं, कैसे? जैसे यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह में। इनकी एग्जांपल है HPML 350 जनरेशन 9 सर्वर, GEN 9 सर्वर। फिर एक बार इसे रिवाइज करूंगी, रिपीट करूंगी सॉरी। क्या ये कंप्यूटर जो होते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर लार्ज, एक्सपेंसिव और मोर पावरफुल हैं माइक्रो की निस्बत, और ये सपोर्ट करते हैं मल्टी यूजर इन्वायरमेंट, यानी मल्टी यूजर इन पे काम कर रहे होते हैं। ये यूज होते हैं नॉर्मली स्मॉल बिजनेस में, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह, और एग्जाम्पल मस्ट करनी है। नेक्स्ट है आपके पास मेन फ्रेम। जैसे माइक्रो से बड़ा मिनी था, अब मिनी से बड़े मेन फ्रेम है। लार्ज कंप्यूटर्स बोथ इन टर्म ऑफ फिजिकल साइज एज वेल एज कंप्यूटेशन। क्या मतलब? फिजिकल साइज का मतलब है कि उसका जो एक्चुअल साइज है ये कंप्यूटर का, ये सबसे बड़ा है, माइक्रो से भी और मिनी से भी। और एज वेल एज कंप्यूटेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा पावरफुल भी है, ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा ट्रस्टेबल है। उसके बाद सपोर्ट ह्यूज नंबर्स ऑफ यूजर, यानी एक से ज्यादा, हमने कहा था मिनी में एक से ज्यादा करते हैं, तो इसमें कहते हैं ह्यूज, यानी बहुत ज्यादा यूजर्स इस पे वर्क कर सकते हैं। दे सपोर्ट ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स, बेसिकली यूज टू स्टोर एंड प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, यानी जब बहुत ज्यादा तादाद में डेटा होता है उस पे प्रोसेसिंग के लिए ये कंप्यूटर यूज होते हैं। तो इसलिए जैसे मिनी कंप्यूटर में स्मॉल बिजनेस में यूज होता था, लेकिन मेन फ्रेम अब क्या है, ये लार्ज बिजनेस में, जैसे बैंक। और इसकी एग्जांपल है AS400 by IBM। उसके बाद है मिनी कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम, मेन फ्रेम के बाद इसी की एक टाइप है मेन फ्रेम कंप्यूटर की, कौन सी है? सुपर कंप्यूटर। यह वर्ड जुड़ा हुआ लिखा हुआ है स्लाइड्स में, सुपर कंप्यूटर आपने अलग कर लेना है, सुपर कंप्यूटर। लार्ज एंड हाई स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी ये होते हैं मेन फ्रेम में लेकिन लार्ज और हाई स्पीड होते हैं, यूज इन स्पेस एंड साइंटिफिक रिसर्च, जो कि स्पेस वगैरह में यूज होते हैं या साइंटिफिक रिसर्च में, और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। ग्रे एक्स है इनकी एग्जाम्पल। आज का हमारा लेक्चर यही था, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। आज के लेक्चर में हमने सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देखी है, टाइप देखी है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन। पहली हमने माइक्रो, तो सबसे स्मॉल इन साइज थी। उसके बाद हमने आज मिनी देखी थी, जो लार्ज है माइक्रो की निस्बत और ज्यादा यानी पावरफुल भी है। फिर उसकी एग्जाम्पल हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने मेन फ्रेम देखा था, ये मिनी से भी ज्यादा लार्ज है, एक्सपेंसिव है और उससे ज्यादा कंप्यूटेशन कर सकता है, यानी पावरफुल है। उसके बाद बहुत ज्यादा तादाद में जो यूजर हैं वो इस पे एक वक्त में वर्क कर सकते हैं। फिर इसका है लार्ज बिजनेस में यूज होती है, जैसे बैंक वगैरह। फिर इसी में सुपर कंप्यूटर देखा था, उसकी एग्जाम्पल। अल्लाह हाफिज़।